हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हमारे पास आया बोट का एयरपोर्ट ठीक होने के लिए। तो दोस्तों, इसको करेंगे ठीक, आज दिखाएंगे आपको इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसका एक एयरबड्स है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। ख़राब कैसे हुआ वो भी बता देते हैं। वो गिरने के कारण वो क्या था दोस्तों, कस्टमर से गिरा हाथ से और आगे से की तरह जैसे ही खुल चुका है, खुलने के बाद ये तार टूट चुकी है। तो इसमें ये तार लगानी है, तार जो इसका टांका लगाना है। तो आपको दिखाएंगे कैसे लग सकता है ये दोस्तों, तो वीडियो कंप्लीट देखना तभी आपको पता लगने वाला है दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे। जब देखोगे तभी पता लगेगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और आप भी ऐसे ये वीडियो देख के आप भी ऐसे अपने एयरबड को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको फटाफट निकालते हैं, इसकी बैटरी वगैरह को देखते हैं, इसका टांका यहाँ से लगेगा या पीछे से लगेगा, कैसे लगेगा देखिए दोस्तों। पहले इसकी बैटरी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं टांका लगने के लिए कितनी जगह है यहाँ पे। तो हमें सेफली निकालना है इसको, सेफली और लगाना भी है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे इसका टांका टूटा हुआ जो कि ये यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार काबिले से यहाँ पे लग पाता नहीं लग पाता, बाकी स्पेस काफ़ी कम दिया गया है इसलिए शायद ना भी लगे। तो एक बार देख लेते हैं काबिया इसके अंदर डाल के। देखिए दोस्तों, अगर काबिया इसके अंदर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इसकी बॉडी है ये जलने का खतरा बना रहेगा, जिससे कि ये ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, दूसरे तरीके से लगाएंगे दोस्तों, जिससे कि इसकी बॉडी भी जले ना और ये साफ़ सुथरा टांका भी लग जाए और ये ख़राब भी ना हो। तो इसको लगाने के लिए मैं सबसे पहले मैं इसको पीछे से खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है जिसका ढक्कन बना रखा है, इसको यहाँ से खोल लेंगे फटाफट। दिखाते हैं आपको कैसे खुलेगा ये। तो इसको खोलना बिल्कुल आसान है वैसे दोस्तों, आप सर्जिकल ब्लेड ले लेना या कोई भी ब्लेड या ओपनर की मदद से, पत्ती टाइप हो जो कि इसके अंदर ऐसे लाइन मारेंगे, जिससे कि लाइन मारने के बाद इसको थोड़ा सा दबाएंगे और दबाने से इसको थोड़ा सा तिरछा मोड़ देंगे ब्लेड को ऊपर की तरफ जैसे कि करेंगे, तो ये आराम से खुल जाएगा। देखिए जैसे कि खुल चुका है, और खुलने के बाद इसकी प्लेट आपको दिख रही होगी, वैसे चालू है दोस्तों। देखिए लाइट जल रही है, आपको दिख रहा होगा लाइट जलती हुई इसके अंदर। अब इसकी प्लेट को हमें बाहर निकालना है, प्लेट को बाहर निकाल के देखते हैं इसको आगे क्या करना है, आप देखते रहना दोस्तों। अभी आपको ठीक करके दिखाएंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे। तो प्लेट ये बाहर आ चुकी है दोस्तों, देखिए दोस्तों। तो ये रबड़ भी इसके आगे के बाइक के ऊपर से निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा लेंगे। तो अब इसकी ये तार है, देखिए ये तार को इसको पीछे की तरफ डालेंगे, यहाँ से देखिए डाल के पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे कि ये तार पीछे आ जाएगी। और फिर हम टांका लगाएंगे यहाँ पे, जो कि सोल्डरिंग कर लेंगे इस पे तार पे। तो इसको पकड़ के खींच लेते हैं पीछे, देखिए अब बिल्कुल यहाँ पे लगा लेंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो जो इसकी बर्ड्स की है ये बॉडी ख़राब होने का डर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अगर प्लास्टिक होती है ये, जब हम अंदर से लगाते हैं तो इसकी प्लास्टिक कहीं भी अगर काबिया लग जाता है तो वहीं से जल जाती। इसलिए मैं इसको पीछे से खोला है ताकि ये सेफली और साफ़ सुथरा बना रहे। तो देखिए अब यहाँ पे इसको मजबूती से टांके को लगा देते हैं। देखिए लगने के बाद इसको फिर फिट करेंगे, आपको दिखाते हैं फिट कैसे करना। टांका बिल्कुल मजबूत लग चुका है और ये बिल्कुल सही तरह काम भी करेगा। तो इसको फटाफट यहाँ पे देखिए ऐसे लगा लेते हैं नीचे की तरफ दबा के, क्योंकि नीचे की तरफ इसके चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं पिने, जो नीचे की तरफ अंदर डल जाती है। और प्लेट को फिर सेट कर लेंगे, प्लेट को सेट करने के बाद ये रबड़ वगैरह लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो माइक के ऊपर से रबड़ निकली है और ये माइक और लाइट के ऊपर आती है ताकि सही तरह रोशनी फैल के जाए दोस्तों। तो देखिए अब ये इस पर लगाने के बाद इस ढक्कन को फिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसानी से दबा के दबाते ये लॉक सिस्टम है इसका बंद हो जाएगा। अब इसकी बैटरी को इसके अंदर रख लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे रखने के बाद इस ढक्कन को फिट करेंगे। इस ढक्कन को ऊपर से कैसे फिट करना है ये भी देखिए, तरीका क्या है इसका दोस्तों। जब इसके अंदर एक लॉक बना होता है, पूरी गुलाई में से एक ही तरफ लॉक होगा और दूसरी तरफ ही होगा, उसके हिसाब से इसको आपको बंद करना है, जिससे कि एक ही बार में प्रॉपर ही फिट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये अभी भी लूजिंग है, सही तरह बंद नहीं हो रहा, दोबारा खुलने का चांस है, तो आप यहाँ पे ब्लेड से एक एल्फी की बूंद लेंगे और एल्फी की बूंद यहाँ पे लगा देंगे। एल्फी की बूंद लगा रहे, देखिए जैसे ब्लेड लिया एल्फी की बूंद इस पर यहाँ पे रख देंगे, और जिससे कि एल्फी भी बिल्कुल हिसाब से लगेगी,